देखा, मैंने कहा था ना अनी अकेला ही आएगा, वो लड़की नहीं अनी के साथ। अरे अनी कहाँ था तू, और तू अकेला है? नहीं, सना का ये मुद्दा। अनी अपने बर्थडे पर अर्शी नहीं बल्कि झनक के साथ एंजॉय करता है रेस्टोरेंट में चोरी चुपके, पर मौसम की वजह से दोनों एक भारी तूफान में फंस जाते हैं और अब देर रात घर लौटते हैं, जहां अर्शी शोर होती है कि हो ना हो झनक और अनी एक साथ ही हैं और उसके बर्थडे प्लान्स पर पानी फिर गए। वहीं जब अनी को अकेले घर पर दस्तक देते देखती है तो अर्शी चैन की सांसें भरती है, पर कुछ ही समय में उसके होश उड़ जाते हैं जब झनक भी आती है और अनी बताता है कि वो अकेले नहीं बल्कि झनक के साथ है। और सबको पता चलता है कि अनी और झनक आधी या एक घंटे नहीं बल्कि काफी देर रात तक एक दूसरे के करीब थे, और आंधी तूफान के बीच आखिर हुआ क्या दोनों के बीच, ये तो सस्पेंस है, पर कितना करीब ये तो सिर्फ अनी और झनक ही जानते हैं। तो आने वाले समय में क्या अब अर्शी अनी के साथ करेगी शादी या फिर झनक से लेगी कोई वादा? तुम्हें शर्म नहीं आती ना झनक? हाँ, इस टाइप की लड़की को ना पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। खबरदार, आप लोग झनक की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, ये हक किसी के पास नहीं है। ओ, तो अब तुम इस लड़की के प्रोटेक्टर हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो ना कि हमारा हक नहीं है, हम हाथ नहीं लगा सकते इसे? आम तौर पे माँ बाप को अपने बच्चों पर फक्र होता है, लेकिन अनिरुद्ध बार बार इस लड़की का साथ देकर तुमने मेरा सर झुका दिया है। हाँ, तो आप मुझे इस घर से बेदखल कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा।